जो सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में इतने पावरफुल हो उनके लिए संसद के कानून के क्या मायने हैं, कानून तो बनाते हैं वो। तो सिंघवी के पास, सिंघवी के सीट से उससे 500-500 रुपए की गड्डियां मिली। सिंघवी इससे भौचक है और कांग्रेस बौखला गई कि राज्यसभा के सभापति ने नाम क्यों खोल दिया, सीट नंबर क्यों बता दिया, हम पाप कर रहे थे, हमें नंगा क्यों किया। सिंघवी अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए तेलंगाना से। सिंघवी जद्दोजहद कर रहे थे कि केजरीवाल उन्हें राज्यसभा भेज दे। सिंघवी की स्थिति बद से बदतर ये हो गई, कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा भेजने की हैसियत खत्म होती चली गई। नेता सदन जो राज्यसभा के हैं जेपी नड्डा, नड्डा साहब ने भी ये मामला उठाया कि इस डिजिटल इंडिया के दौर में इतना माल क्यों ले जा रहे थे, किसे खरीदना चाह रहे थे, या फिर कोई सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक था। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सबसे शातिर नेता हैं, क्योंकि वो वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में बड़े खिलंदर लॉयर हैं। सोनिया गांधी के खासम खास हैं। आज राहुल गांधी यदि संसद परिसर में टहल पा रहे हैं तो उसके लिए सिंघवी की काबिलियत ही जिम्मेदार है। सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और कभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वैसे सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक महिला वकील को अपने चैम्बर में वो जज बनाने का सपना बेच रहे थे, उसके बदले में क्या खरीदना चाह रहे थे ये बस अनुमान लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट में जजेस कमाल के का जजमेंट हुआ कि उस जजमेंट में सिंघवी का जो वीडियो है उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने पर रोक लगा दिया गया। ऐसे आदेश सिंघवी जैसे वकीलों के लिए दिए जा सकते हैं। सिंघवी का मौज अभी हाल के दिनों में रहा जब चंद्रचूड़ साहब सीजीआई थे, या यूं कहे सीनियर मोस्ट जज थे, सिंघवी के परम मित्र थे। तो अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा किसी भी पार्टी से जा सकते थे, ये उन्हें भरोसा था। इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि केजरी उन्हें राज्यसभा भेजे, क्योंकि केजरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन केजरी भी शातिर थे, महाधूर्त महाशातिर। केजरी इंतजार कर रहे थे कि कम से कम मेरे किसी एक चेले को बेल तो दिलाएं। लेकिन 2.5 साल तक सत्येंद्र जैन तिहार में बिलखता रहा। 1.5 साल से ज्यादा समय तक सिसोदिया शराब माफियागिरी के धंधे में तिहार में छटपटाता रहा और अंत में जेल तो केजरी भी गया। लेकिन सिंघवी की वो ताकत थी जिसके बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव प्रचार करने के लिए केजरी को अपना चुनाव नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए इतने बड़े घोटाले में बेल दे दिया गया। जिस केजरी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया मेरिट के आधार पे, उसे इसलिए बेल दे दिया गया क्योंकि वह चुनाव प्रचार कर सके। ये सिंघवी की ही ताकत है जिसके बदौलत केजरी के बेल मिलने के बाद कई आतंकवादी भी सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट से बेल पा गए। तो ये सिंघवी को लगा कि वो इतने पावरफुल यदि सुप्रीम कोर्ट में हैं तो संसद में ठेंगे से, संसद में उनके लिए कानून क्या मायने रखता है, संसद में तो कानून बनाते हैं। एक समय कहा जाता था कि माफिया गुंडे संसद में हमारे कानून बनाते थे। जो सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में इतने पावरफुल हों उनके लिए संसद के कानून के क्या मायने हैं, कानून तो बनाते हैं वो। तो सिंघवी के पास, सिंघवी के सीट से 222 नंबर सीट जो राज्यसभा में है उससे 500-500 रुपए की गड्डियां मिली। आमतौर पे जब संसद, मतलब टाइमिंग 5 बजे के बाद जब संसद खत्म होता है, या फिर यदि देर रात ही सही, तो संसद के सफाई कर्मी हर सीट की सफाई करते हैं, पूरा सफाई होता है उसमें देर शाम, या यूं कहे सुबह। तो सफाई कर्मी में अक्सर कई बार सांसदों की चश्मा, मोबाइल कवर या मोबाइल भी मिल जाता है, कई डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये सब सचिवालय में जमा कर दिया जाता है, राज्यसभा सचिवालय या लोकसभा सचिवालय। लेकिन कर्मचारियों को 222 नंबर सीट से 500-500 रुपए की गड्डियां मिली।
वो चौंक गए। इसकी सूचना राज्यसभा सचिवालय को दी गई। तो सूचना राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ तक भी पहुंचा। तो अब की बार सोनिया के सिंह भी संसद में क्या खरीदारी करने आए थे, दरअसल इसे सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है। सिंह भी इससे भौचक हैं और कांग्रेस बौखला गई कि राज्यसभा के सभापति ने नाम क्यों खोल दिया, सीट नंबर क्यों बता दिया, हम पाप कर रहे थे, हमें नंगा क्यों किया। संसद के बाहर राहुल गांधी भाई बहन कालिख लगा करके चेहरे पर काला पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे थे और संसद के अंदर कांग्रेस के काले कुकर्म सामने आ रहे थे। ऐसा क्या है कि सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, कांग्रेस कैसे पैसे से संसद को खरीदना चाहती है। हमने कल सतीश जी के ने एक बेहतरीन विश्लेषण किया कि 50 साल तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा इस देश पर, क्योंकि जनता निरक्षर थी, 40% से कम लोग शिक्षित थे, शुरुआत में तो 18% 19%। लेकिन 1991 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि बहुमत तो दूर साहब, कांग्रेस के लिए 100 सीट पाना भी मुश्किल हो गया। देश की जनता जागरूक हो गई, देश की जनता पढ़ी लिखी हो गई, उसे कांग्रेस के पाप समझ में आने लगे, उसे समझ में आने लगे कि कैसे एक लोकतंत्र को खरीदती है, ये अडानी अंबानी करते हैं और संसद में कैश कांड करते हैं। जरा सुनिए राज्यसभा के सभापति ने क्या क्या कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब इनके पाप खोले तो सिंघवी का सच देश ने जाना, सोनिया के सिंघवी का ये सच। That during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the house yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024-2026. The matter was brought to my notice of Telangana. क्या चेहरा देखिए, जब धनखड़ साहब ये बोल रहे हैं तो यहां जरा देखिए चेला गुरुओं का चेहरा। एक खड़गे को देखिए, सोनिया गांधी को देखिए और पार्टी के सबसे बड़े सेवक कौन सोनिया गांधी के बगल में बैठेगा ये तय है। सोनिया के बगल में बैठे प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी के चैम्बर में भी अभी आपको जाने का अवसर मिलेगा, तो प्रमोद तिवारी के चैम्बर में आपको भगवान की जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की तस्वीर आपको मिलेगी इनके पीछे, प्रियंका वाड्रा भी, और कहा जाता है कि पार्टी के सबसे वफादार में से हैं। तो सबके चेहरे उड़ गए जब धनखड़ साहब ने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। ये बेचैन हो गए, सिंघवी का नाम क्यों लिया। 2024-2026 द मैटर वाज ब्रॉट टू माय नोटिस एंड आई felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. अब यहां ये छटपटाने लगे कि नाम क्यों दे बता दिया, सिंघवी का नाम क्यों लिया। कांग्रेस एकदम से तिलमिला गई कि आपको सीट नंबर बताने की क्या जरूरत थी। दरअसल ये चीजें इतना सामान्य नहीं था जितना सामान्य ये बता रहे थे। अब आपको आश्चर्य लगेगा, जिस समय ये चीजें चल रही थी उस समय भाई बहन पार्लियामेंट परिसर में चेहरे पर कालिख लगा करके प्रदर्शन कर रहे थे और ये चल रहा था। अभिषेक मनु के सीट से नोट की गद्दी मिली, तो ये देखिए ये चीजें चल। लेकिन अब की बार सरकार हमलावर,
objection. And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable Members are also very genuine. I think Honorable Members, the step taken at my end was minimal. It does not cast that I have transgressed. It was my duty to bring to your notice. You told it is under investigation. Without investigating, how can you say a particular man or particular seat? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो घटना घटी है, अब देखिए, क्या एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। तो ये चोरी करने के बाद आपने देखा होगा कि ये खड़गे क्या बोलने के लिए खड़ा हुआ, कि बिना जांच के आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसी फलाना के पास है। इस बात को लेकर के पीयूष गोयल फ्रंट फुट पे आए। That should not be debated. Fair enough. But he says that it should be a general rule. अब इसे जांच के लिए बोल। When our chairman is investigating, अरे बैठो, सब सबको देख, चलो। Honorable members, I don't investigate myself. Then who will cause investigation to take place? It is an expert. For example, let me tell you, sir. One second. I have been extremely careful. अब देखिए, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेचैन हो गए कि आपने नाम क्यों ले लिया सिंघवी का। 222 नंबर सीट सिंघवी को अलॉटेड है, और सिंघवी ने कहा कि हम आए थे पार्लियामेंट में, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद कैंटीन चले गए, वहां मौज मस्ती की, उसके बाद संसद से बाहर चले गए। दरअसल सिंघवी अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं तेलंगाना से। सिंघवी जद्दोजहद कर रहे थे कि केजरीवाल उन्हें राज्यसभा भेज दे। सिंघवी की स्थिति बद से बदतर ये हो गई, कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा भेजने की हैसियत खत्म होती चली गई। इसीलिए आनंद शर्मा जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, ये सब बाहर हो गए, एक समय पर बोले थे। सिंघवी भी लंबे समय से सदन के सदस्य नहीं थे, और ये सुपारी दी गई थी केजरी को कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल दिला दिया जाएगा तो राज्यसभा भेज दो। लेकिन कांड हो गया यहां पे, केजरी का भरोसा गिरा कि सिंघवी सही मायने में उनके लिए कर रहे हैं या उनकी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि ढाई ढाई साल से सत्येंद्र जैन को सिंघवी बेल नहीं करा पाए। सिसोदिया शराब माफिया गिरी में अंदर था, बेल नहीं करा पाए।
और ये भरोसा दिया गया कि हम चड्डा को या स्वाति मालीवाल को बैठा देंगे और तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे। दोनों में से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। स्वाति मालीवाल ने तो कांड ही कर दिया। उसके बाद सिंघवी फनफनाने लगे, उन्हें राज्यसभा तो भेजा जाना था क्योंकि सिंघवी सबसे खिलंदर है। कपिल सिब्बल के बाहर जाने के बाद सिंघवी के सहारे ही तो कांग्रेस को चलना था, पूरा उलट फेर। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया जब चल रहा है, जब लोग 10-10 पैसे, 5-5 पैसे, 4 रुपए के लिए मुझे टेबलेट एक लेना था, उसके लिए मैंने कल डिजिटल पेमेंट किया 4 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के फूल माला के लिए लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो 500-500 की गड्डियां लेकर सिंघवी क्या करने आए थे संसद में? ये सवाल इसलिए भी कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र खरीदने की कोशिश करती रही है। कैश कांड संसद में पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। ये सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है कि क्या उसमें कोई केमिकल मिलाया गया था जिसे उछाला जाता संसद के अंदर, खतर, क्योंकि सांसदों की चेकिंग नहीं होती है। बहुत गौर से समझिए, ऐसे पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए सांसदों की चेकिंग नहीं होती है, तो क्या आप कुछ भी ले जा सकते हैं अंदर, कुछ भी? अब यही वजह है कि सिंघवी इतना मोटा गड्ढी लेकर गए और किरण रिजिजू समेत नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, नेता सदन जो राज्यसभा के हैं, जेपी नड्डा, नड्डा साहब ने भी ये मामला उठाया कि इस डिजिटल इंडिया के दौर में इतना माल क्यों ले जा रहे थे, किसे खरीदना चाह रहे थे, या फिर कोई सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक था? इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो जांच कौन करेगा? इसके लिए कमेटी बना दी गई और ये कहा गया कि इसमें राज्यसभा के कुछ अधिकारी होंगे सचिवालय के और कुछ मेंबर पार्लियामेंट होंगे। कांग्रेस इसी पे तिलमिला गई है। दरअसल भौचक है कांग्रेस के लोग। आपने सोनिया गांधी का चेहरा देखा होगा, ये कैसे हुआ, कैसे पता चल गया, आखिर जल्दबाजी में क्या सिंघवी माल छोड़ करके चले गए वहां और ला तो सकते नहीं थे, अब उस पर दावा भी नहीं कर रहे हैं वो, तो किसे देना था, क्या होना था कैश का? डिजिटल इंडिया के दौर में कैश बंटवारा कांग्रेस किसके लिए कर रही थी, किसे खरीदना और किसे, किसके अग्रिम भुगतान किया जाना था, या फिर ये कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरनाक खेल तो नहीं था मंत्री के ऊपर, संतरी के ऊपर? सरकार यही पता करना चाह रही है। तब आपको याद आएगा 1993 का कैश कांड, जब न्यूक्लियर डील के समय में वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया था, अल्पमत में चली गई थी नरसिम्हा राव की सरकार, अर्जुन सिंह नरसिम्हा राव के खिलाफ खेल कर रहे थे, सोनिया गांधी 10 जनपद से खेल करवा रही थी, अपनी सरकार गिराने का खेल चल रहा था। उसी समय नरसिंह राव ने 40 लाख रुपए दे करके जेएमएम के सांसदों को खरीद लिया और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड कहते हैं। इस केस को मैंने कोर्ट में कवर किया हुआ है, उस समय मैं 30,000 कोर्ट एशिया के सबसे बड़ी अदालत की रिपोर्टिंग करता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत केस, इसको भी लिपापोती कर दी गई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा शिवू सोरेन की पार्टी को खरीदा गया समर्थन देने के लिए। और दूसरा कांड 2008 में हुआ, जब सोनिया की मनमोहनी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और बीजेपी के सांसदों को खरीदने का खेल चल रहा था। यह भी मामला अद्भुत था और इस मामले में राजदीप सरदेसाई का पाप भी सामने आया था कि कैसे उसने इस केस को दबाने की कोशिश की, उसके पास पूरे वीडियो थे। तब पार्लियामेंट के अंदर नोट उछाले गए थे, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सांसदों को इसके लिए अमर सिंह का इस्तेमाल किया गया था। तो सोचिए ये अडानी अंबानी के नाम पर खेल करने वाली कांग्रेस का दरअसल सच क्या है, इस सच का भी बहुत कुछ फैक्ट सामने आना है। और ये जरूरी है कि इसके बाद अब ये तय हो कि सांसदों के भी अगवारे पिछुआ पिछवाड़े की, ये माननीय बनने वाले लोगों की भी जांच की जानी चाहिए कि जब सांसद ही खतरनाक हो जाएं ये पता चलना चाहिए। अभिषेक मनु सिंह भी कोई पहली बार सांसद बने हैं ऐसा नहीं है, उनके पिता भी सांसद रहे, बड़े खिलंदर लॉयर रहे, कानून के बारे में तो बारीकियों को समझते हैं, फिर ये खेल। दरअसल इस पाप ने कांग्रेस के गाल पर झंडाटेदार थप्पड़ मार दिया है। संसद ना खेल चलने देने के साजिश रचती रहती कांग्रेस, अडानी अंबानी पर षड्यंत्र करती कांग्रेस, किस कैश वोट से कैश से क्या खरीदना चाह रही थी,
ये जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कांग्रेस के मुंह पे काली पोत दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए उसे जरूर साझा कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन से चैनल का मेंबर जरूर बनिए।